बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज मिंट वर्ब्स तैयार करने लगी हूँ। तो ये आम सी चीज़ है, वही रोल वाली पट्टियाँ हैं जिससे हम रोल बनाते हैं, उसी से मैंने बहुत ही स्पेशल से ये मैंने वर्ब्स तैयार किए हैं। तो जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, यूनिक सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, अपने मेहमानों को ज़रूर इस तरह सर्व करें जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप किसी इवेंट पे, पार्टी वगैरह पे आप ये इस तरह के बना सकते हैं। चिकन के मैंने इस तरह के पीस कर लिए हैं और दही के 2 चम्मच मैंने डाले हैं, लेमन जूस डाला है, इमली का पेस्ट मैंने पहले इमली भिगोई हुई थी 1.5 चम्मच इसका जाएगा, अदरक लहसुन का 1 चम्मच जाएगा, टिक्का मसाला है, थोड़ा सा नमक है, सिर्फ यही मसाला इसके अंदर जाएगा, सफ़ेद मिर्चें बस मैंने थोड़ी डालनी है, नमक मैंने थोड़ा डाला इसलिए कि इसके अंदर मोज़रेला चीज़ या चैटर चीज़ भी जाएगी, तो इसलिए आप नमक पहले थोड़ा डालें, बाद में ये कड़वे हो जाते हैं नमक ज़्यादा हो जाए तो। 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं और इसे मैंने दम पे रख दिया चूल्हा आस्ता करके, 8-10 मिनट लगे थे। और चिकन ये इस तरह से जब तैयार हुआ था मैंने बॉल में शिफ्ट करके, तो ये चीज़ डाली है, पुदीना डाला है, पुदीना मुझे कम लग रहा है, अभी ये बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी ये कम लग रहा है, मैं थोड़ा पुदीना और डालूँगी। 1 अंडा मैंने लिया है, दूध है, पानी है थोड़ा, और 2 चम्मच मैंने आटे के डाले हैं, आप कोई सा भी आटा यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स मैं साथ इस्तेमाल करूँगी। और ये वो रोल वाली पट्टियाँ हैं, चिकन का 1 चम्मच मैंने इसके अंदर रख के इसे बंद करना है इस तरह से, ये सारे इसी तरह से मैं बनाऊँगी, इसके अंदर डिप करूँगी, ऊपर ये क्रम्स लगाऊँगी और इसी तरह बना के बाद में इन्हें फ्राई करूँगी। और ये बहुत ही स्पेशल हो जाते हैं जब हम रेसिपी जब भी तैयार करें, आम तो हम घर में खाते ही रहते हैं, आप ये अपने मेहमानों के आगे सर्व करें इस तरह से बना के, कोई इवेंट वगैरह हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। है तो ये आम बहुत ही स्पेशल तरीके से, हम पे डिपेंड करता है हम इसे किस तरह से स्पेशल करें। बस इसे ऑयल फुल गर्म नहीं है, ऑयल गर्म हो चुका था, बाद में मैंने चूल्हे की हीट को आस्ता कर दिया है, ये स्लो हीट पे पहले पकते रहेंगे, बाद में मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया था कि इसका ऑयल जो अंदर गया वो बाहर आ जाए। बस अभी मैं इसे निकाल के ये सर्व मैंने कर दिए, आप भी मेहमानों को इस तरह की डिश बना के दें तो ये बहुत ही मज़ेदार बने थे जी। अल्लाह हाफिज़, और मुझे ज़रूर बताएँ कि ये आपको किस तरह की रेसिपी लगी है। अल्लाह